आजकल हो क्या रहा है कि आप कहीं भी जाके देखिएगा, कहीं पे भी आके देखिए, तो चलिए मेयर पद में मैंने क्यों नहीं ट्राई किया, क्योंकि वहां बड़ों का आशीर्वाद का भी जरूरत है। जब तक बड़े आशीर्वाद नहीं देंगे, जैसे घर की अगर हम लोग बात करें तो घर में पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, हम लोग का भी आंख जो है खुला रखना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए वहां दिखाया कि एक जो है कोई चरस गांजा लेके गया और गांधी जी की जो मूर्ति को तोड़ दिया, तो उस समय जो अगल बगल जो लोग थे वो लोग शांत क्यों रहे, उन लोग को उसी समय जाके रोकना चाहिए। इतना चहल पहल वाला चरखा पार्क है, आपने देखा होगा, एनी टाइम वहां पे लोग रहते हैं, वहां पे मार्केट्स भी है, वहां पे बहुत सारा जो है होटल वगैरह भी है, बहुत सारा किराने की दुकान है। तो जब सिर्फ हम लोग प्रशासन के ऊपर में कितना डिपेंडेंट रहेंगे, या फिर किसी नेता के ऊपर में आप कितना डिपेंडेंट रहिएगा। नमस्कार, मैं शांतनु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी आने वाले दिनों में मोतिहारी नगर निगम का चुनाव होने वाला है और इसके तहत बहुत सारे लोग जो हैं चुनावी मैदान में अपना अपने आप को उतार रहे हैं, अपनी अपनी योजनाओं को लेकर उतार रहे हैं, इस मोतिहारी शहर के विकास के बारे में लोगों को बता रहे हैं। उसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं इससे मोतिहारी के लाल इंजीनियर ऋषभ रंजन जी। इनका परिचय, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं और साथ में आपको बता दें कि इन्होंने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कोरोना प्रोटोकॉल के समय लगभग 19 राज्यों में इन्होंने मुफ्त राशन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई। साथ में इस जिले में कोई भी ऐसी घटना होती है जिसमें ये कूदकर भाग लेते हैं और उस सभी समस्याओं का समाधान भी करते हैं, रोड पर ये निकलते हैं और गरीबों की सहायता भी किया करते हैं। साथ में इसे ठंड के दिनों में भी देखा गया है कि रात के 12 बजे तक इन्होंने जरूरतमंद लोगों को जो है कंबल और ऊनी वस्त्र को कप को प्रदान किया और लोगों को जो है उससे राहत मिली। ऐसे नेतृत्वकर्ता हमारे बीच उपस्थित हैं और ये उप मेयर पद के लिए इस शहर से अपनी अपनी भागीदारी रख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियर ऋषभ रंजन जी, हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से आपका। मैं जानना चाहता हूँ ऋषभ रंजन जी कि यदि आपको इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित मोतिहारी नगर निगम का उप मेयर बनने का मौका मिलता है तो आप इस शहर का, इस नगर का विकास कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे यहाँ बुलाएं और अपने चैनल के माध्यम से जो है मोतिहारी शहर जो अब नगर निगम हो चुका है। तो देखिए आजकल हो क्या रहा है कि आप कहीं भी जाके देखिएगा, कहीं पर भी आके देखिए, तो चलिए मेयर पद में मैंने क्यों नहीं ट्राई किया, क्योंकि वहाँ बड़ों का आशीर्वाद का भी जरूरत है। जब तक बड़े आशीर्वाद नहीं देंगे, जैसे घर की अगर हम लोग बात करें तो घर में पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, तो वो लोग क्या होता है, घर का जो होता है स्तंभ होता है वो लोग, है कि नहीं? तो उन लोगों का आशीर्वाद और युवाओं का प्यार, क्योंकि जब युवा रहेगा तो युवा नेतृत्वकर्ता जब रहेगा तो पूरे शहर में अगर रात को 12 बजे भी किसी जनता या किसी के साथ भी कोई घटना घटित होती है तो 12 बजे रात को युवा जो है फोन पे अगर कॉल आएगा तो आराम से हम लोग फोन उठा के उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, है कि नहीं? ये होता है ना, आपने देखा होगा, हो गया है। तो एक और चीज हम जानना चाहते हैं कि जैसे ये मोतिहारी शहर है, यहाँ बहुत दिनों से आजादी से लेकर अब तक बहुत सारे मंत्री रहे हैं, यहाँ तक अभी बीजेपी के भी मंत्री हैं, आपको राजद के भी मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के भी मंत्री, विभिन्न पार्टियों के मंत्री रहे हैं, लेकिन मोतिहारी शहर का विकास जो है जिस दृष्टिकोण से होना चाहिए वैसे नहीं हो पाया है। मैंने क्या तो बोला, उसका विकास कैसे होगा? जैसे मोती झील जो है आप देख रहे हैं, मोती झील का विकास जो है संभव नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया, तो कैसे होगा? देखिए उसके लिए एक प्लानिंग बनाना होगा, है कि नहीं? मैं, आपने खुद बताया कि मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। आप अगर बाहर जाइएगा तो जितना भी आप लेक साइड देखिएगा, तो जैसे बैंगलोर में भी जाइएगा तो लेक साइड रेस्टोरेंट्स होता है, वहाँ पे आप देखिएगा तो पैडलिंग बोटिंग करने के लिए आपको पैडल्स बोट होता है, तो उससे क्या होगा, टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा। आप सपोज कीजिए कि अगर वहाँ पे जो मोती झील है अपना, इतना बढ़िया, इतना बड़ा झील, हमको लग रहा है पूरे बिहार में इतना बढ़िया झील कहीं नहीं होगा। अभी मैं कुछ दिन पहले राजगीर गया था, तो आप राजगीर जाके जब देखिएगा, जब आप बिहार के जब टूरिज्म में जब जाइएगा तो लगा कि अरे ये अपने बिहार में है क्या? और जब हम लोग जब फेसबुक पे जब फोटो डाले राजगीर का, तो सारा कोई मतलब एकदम आश्चर्यचकित था कि अपने बिहार में कहाँ पे है ये। तो मैंने बोला अपने बिहार में ही है, राजगीर में है। सेम इसी तरह मोतिहारी में भी मोती झील है, मोती झील को करना कुछ नहीं है, वहाँ पे एक बढ़िया सा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, बाहर में आप जाके देखिएगा तो हर एक जगह एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होता है,
फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जब बन जाएगा और पैडलिंग होगा, ऑटोमेटिक टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेगा। और जब जहाँ पे कहते हैं जब खंडहर घर होता है, तो उसको आप देखिए, जब घर में जब कोई रहता नहीं है ना, तो वो घर पूरा जो है चू जाता है, चाहे आप महल बना दिए तब भी। मगर जब उसमें आप रहने लगिएगा, तो सेम अगर वहाँ पे एक्टिविटी होने लगेगा, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स खुल जाए, उसके बाद में क्या बोलता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए जैसे बच्चों के लिए वहाँ पार्क बन जाए बगल में ही, तो ऑटोमेटिक जो है उसका विकास जो है आराम से होना ही होना है, नहीं होने का संभावना बिल्कुल नहीं है। एक और चीज़ जो जैसे देखिए, हमने मोतिहारी को देखा है, एक बड़ी जो हृदय विदारक घटना आगामी दिनों में घटी है। मोतिहारी बापू की कर्मभूमि रही है, जो हमारी ऐतिहासिक पहचान है, और हमने देखा है, आप युवा हैं, कि 14 फरवरी के दिन तुरकौलिया में वही स्थिति हुई, किसी शराबी ने उनको गले में लगा दिया, यहाँ भी मूर्ति तोड़ दी गई। तो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता हैं, तो ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? ऐतिहासिक जो धरोहर है हमारे, उसके सुरक्षा के लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि देखिए प्रशासन का काम है कि पूरा जितना भी जहां भी गलत हो रहा है उसको कंट्रोल करना, मगर एज ए जनता हम लोग का भी आँख जो है खुला रखना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए वहाँ दिखाया कि एक जो है कोई चरस गांजा लेके गया और गांधी जी की जो मूर्ति को तोड़ दिया, तो उस समय जो अगल बगल जो लोग थे वो लोग शांत क्यों रहे? उन लोग को उसी समय जाके रोकना चाहिए। इतना चहल पहल वाला चरखा पार्क है, आपने देखा होगा, इन्हीं टाइम वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे मार्केट्स भी है, वहाँ पे बहुत सारा जो है होटल वगैरह भी है, बहुत सारा किराने की दुकान है। तो जब सिर्फ हम लोग प्रशासन के ऊपर में कितना डिपेंडेंट रहेंगे, या फिर किसी नेता के ऊपर में आप कितना डिपेंडेंट रहिएगा, एज अ जनता हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि कहीं पर गलत हो रहा है तो अगर हम लोग उसी समय 100 नंबर पर डायल करके अगर सूचना दे देते, तो हमारे सबसे अच्छी बात है कि हमारे मोतिहारी शहर को आपको मालूम है, जो हमारे DM हैं और जब हमारे SP हैं, वो लोग कितना एजुकेटेड, और उनका कार्यशैली आप देखिएगा तो इतना बढ़िया है कि आज पूरे जिला का मान सम्मान बढ़ रहा है उन लोगों के चलते। तो एज अ जनता, एज अ समझिए कि प्रत्याशी, मैं यही लोगों से भी निवेदन करूंगा कि अगर ऐसी कोई से भी घटना अगर आप देख रहे हैं, तो आप पुलिस को सूचना कीजिए, और उसके पहले एज अ नागरिक, एज अ जनता जाके हम लोग को वहां पे जाके रोकना चाहिए कि नहीं ये गलत है। क्योंकि अगर सामने टूटा होगा, इतना बड़ा मूर्ति है, ऑब्वियस बात है ऐसा नहीं हुआ कोई नहीं देखा होगा, सब किसी ने देखा, मगर बाद में जब मैं सोशल मीडिया उठा के देखा तो बाद में कुछ लोगों ने डाला, फिर धीरे धीरे करके जो है वो वायरल होने लगा, तब जाकर जो है प्रशासन वहां गया और उसके बाद में कार्रवाई जो भी है वो शुरू हुआ। बट उसके पहले हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसा कुछ भी अगर होता है, तो उस समय सीधी सी बात है, कानून का सहारा लेना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, कानून का सहारा लेके और हमें उसके खिलाफ जो है कंप्लेन करना है, और उसके पहले हम लोग को जाके वहां रोकना भी है खुद से। एक अभी जो चुनाव होने वाला है, उस संदर्भ में एक और चीज़ जो है नगर में हम देखने को नहीं मिलती है, जैसे आप तो उपमेयर बनेंगे, निश्चित रूप से सारे वार्ड आपके अंतर्गत रहेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं, कुछ न्यूज़ भी हमारे चैनल पर आई है, जैसे चंदबाड़ी रेलवे गुमटी का वार्ड हो गया, आपको बेलीसराय का वार्ड हो गया, खुदानगर का वार्ड हो गया, ये सब कुछ ऐसे वार्ड हैं जिनके जहाँ के लोगों के रहना जो है नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं वहाँ के लोग, तो उन वार्ड आयुक्तों को और मोतिहारी को स्वच्छ कैसे बनाएं, और इसके लिए आप जनता को क्या राय देंगे और आप उस पर क्या पहल करना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। अब आप अगर सपोज कीजिए कि मेयर या उपमेयर या वार्ड कमिश्नर के पद पे आप किसी अनएजुकेटेड लोग को अगर आप चुनिएगा, तो उसको क्या नॉलेज है? वो लोग देखा ही नहीं है समाज में कैसे। अब जब सपोज कीजिए कि हम किसी अनएजुकेटेड को ले लिए, वो तो समाज में कभी रहा है नहीं ढंग से, तो बाकी उन लोग वैसे प्रत्याशी के चलते बाकी के भी जो लोग होते हैं वो भी इफेक्टिव होते हैं। अब सपोज कीजिए कुछ आते हैं यहाँ पे जो पैसा पूरा खर्चा करके आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, अब जो पैसा ले रहा है, अगर सपोज कीजिए कि अगर आप हमसे पैसा ले रहे हैं, तो कल को आप सीधी सी बात है मेरे पास में आप आइए क्या मुंह उठा के? कैसे आप आइएगा? क्योंकि मुझे पता है कि आपने मेरे से पैसा लिया है। मगर अगर आपने मुझे पैसा, अब मैंने आपको दिया और आपने नहीं लिया, और अगर मैं दे रहा हूं, जो देता है समझिए कि वो भी पैसा कमाने के लिए ही, जो चुनाव हो रहा 5 साल रहेगा, उसका पैसा अपना जेब गरम करेगा चला जाएगा। मगर जो अपने पैर पे खड़ा हो, जो प्रत्याशी अपने पैर पे खड़ा हो, उसको क्या चाहिए? उसको समाज के लिए बस देखना है कि भाई समाज में क्या घटित हो रहा है, वार्ड में किस टाइप। अब जैसे सपोज कीजिए मैं रहता हूं, तो जैसे मेरे वार्ड में है सब चीज ठीक है, सारा चीज ये है, तो जिस टाइप से जो जो मुझे दिक्कत आता है, मैं क्या करूंगा? एज अ उपमेयर प्रत्याशी, मैं जितने भी वार्ड कमिश्नर जितने भी होंगे, उन सबके साथ जब बैठक होगा, तो उसमें मैं रखूंगा, देखो इस टाइप से नहीं, आपको इस तरीके से करना है, ताकि आपका जीवन नहीं है, आप जो है अब जनता के प्रत्याशी हैं, और जनता जो जनता को कठिनाई हो रही हो, वो उससे पहले वो आपको भी हो जाना चाहिए महसूस कि ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है।
अगर प्रत्याशी, अगर जनता अगर आपको चुनेगा और अगर उस पोस्ट पे बैठा सकता है तो उन लोगों को 2 मिनट भी लगता है उस पोस्ट से हटाने में। तो हमारा यही प्रयास रहना चाहिए कि जहां भी जैसे जनता का समस्या, अपने घर का समस्या, क्योंकि आपके ऊपर में बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी आने वाली है। और जब बड़ी जिम्मेदारी आती है ना तो उस समय आपको रात का 1 बजे या 2 बजे नहीं देखना होता है, 24 घंटा मतलब फुल टाइम समझिए, एक तरह से जैसे हम लोग जॉब करते हैं ना मॉर्निंग 9 to evening 5, वैसे ही समझिए कि एक तरह से जॉब के रूप में आपको इसको समझना चाहिए कि जनता ने आपके ऊपर में इन्वेस्ट किया है, आपको वोट दिया है, क्यों? ताकि हमारा जो मोतिहारी का जो विकास हो वो हो सके और पूरा वार्ड जो है एकदम अच्छे तरीके से रह सके। एक और चीज जो है, अगर आप उपमेयर बन जाते हैं तो इस नगर में शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था पर आप क्या कार्य करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपसे जब पहले इंटरव्यू हुआ था उस समय भी मैंने बोला था कि देखिए होता क्या है कि बिहार, अपना बिहार, आप बिहार के किसी भी जिला में से चले जाइए, पूरे इंडिया में आप चले जाइए, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कहाँ रहते हैं? कोटा में। क्या अपने बिहार में जमीन की कमी है क्या? नहीं। क्या हमारे बिहार में शिक्षकों की कमी है क्या? आप बाहर में आकाश जाइए या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाइए, बड़े बड़े जितने भी हैं वहाँ हर कोई आपको बिहारी मिलेगा। मगर होता क्या है, दिक्कत क्या है कि घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत है। अब अभी चंदमारी चले जाइए, कितना बड़ा हब है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, क्योंकि हर एक शिक्षक से भी जब मेरी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि जो शहर के जो है चंदमारी चौक या जहां भी सबसे ज्यादा विद्यार्थी आते हैं वहां पे एक पुलिस स्टेशन का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। क्योंकि इससे क्या होता है, जितनी भी बहन बेटियां जब जाती हैं तो उनके ऊपर में कुछ कॉमेंट्स हो जाता है। ऑब्वियस बात है, शहर है तो उसमें अलग अलग मानसिकता के भी लोग रहते हैं। तो जहां जहां आपका जहां भी सबसे ज्यादा जो एजुकेशन हब होगा, सबसे पहले तो मेरा यही होगा कि किसी भी तरह करके वहां पे एक छोटा सा थाना ही, ओपी थाना जो होता है वो खुले, ताकि जो है लोगों को आसानी हो वहां पे रहने में और हर एक चीज करने में। दूसरा, शिक्षा के जगत में हम लोग और कैसे कार्य कर सकते हैं? ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हम लोग का कुछ निःशुल्क जो है वो भी स्कूल्स वगैरह भी चलता है, जो हमारे जितने भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो गाँव में, जैसे अब एजुकेशन जब नहीं रहेगा तो ऑब्वियस बात है कि शहर में या कहीं भी क्राइम रेट ज्यादा बढ़ेगा, मगर जब एजुकेशन जब रहेगा, ऑलरेडी मेरे साथ जो है बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मेरे जितने भी शिक्षक हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड, और मैं भी उसी प्रोफेशन में अभी जुड़ा हुआ हूं। तो वो क्या है, एक तरह से समझिए, जब समाज को जब बढ़िया जब एजुकेशन जब मिलेगा, जब बच्चों को जब एजुकेटेड चीज, जैसे अभी आपने बोला 14 फरवरी, तो 14 फरवरी की भी बात करें तो क्यों हम लोग जो है निकल के हर एक जगह पार्कों में जाते हैं? यही कारण है ताकि बच्चों को वहां समझाया जा सके कि बेटा ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी जो संस्कृति, अगर सपोज कीजिए आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, हैं, जब वो बड़े होते होंगे तो वो अगर टीवी पे यही चीज देखेंगे तो कल को अगर आपके सामने ये ऐसा करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। तो एज अ पेरेंट्स, एज अ बड़ा भाई, एज अ समझिए कि प्रत्याशी होने के नाते भी, सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जो हैं बच्चों को पहले, सबसे पहले शिक्षा देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर शिक्षित, मैं बार बार शिक्षित पे इसलिए आ रहा हूँ, अगर शिक्षित समाज होगा, शिक्षित प्रत्याशी होंगे तो उनको पता होता है कि कब किस टाइप का लोग को क्या जरूरत होता है, किस टाइप से किससे बिहेव करना है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको मर्यादा में रहकर जो है आपको लोगों के प्रति, अपने जनता के प्रति जो है आपको अपना कार्य करना आना चाहिए। अंत में मैं चाहूँगा सर कि हमारे युवाओं को और यहाँ की जनता को आप इस चुनाव के लिए और युवा शक्ति को आह्वित करते हुए वो अपने अंदर ज्ञान का संचार भरे, अपने शब्दों में उनको प्रेरित करें। देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि हम जब चुनाव में जब आ रहे हैं तो मेरा एक ही मोटो है, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार, इसको लेके जो चलो आज मिलके हम लोग सबको निकलते हैं और मोतिहारी नगर निगम को स्वच्छ बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। और जिस तरीके से अगर आप बाहर के किसी भी शहर में जाते हैं तो देखते हैं, देखिए मोतिहारी इतना प्यारा शहर है, इतना प्यारा शहर, आप कहीं और चले जाइएगा तो वहां देखिएगा तो रोड पे गाड़ी लगाने का भी जगह नहीं है, मगर ये गांधी जी की समझ कर्मभूमि है। और चंपारण सत्याग्रह भी यहीं से शुरू हुआ है, यहाँ जो बिहार समझ रहे, चूंकि बिहार में ऊपर से चंपारण, चंपारण जो है सिर्फ खाने पीने में भी अगर आप देखिएगा तो चंपारण जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वर्ल्ड फेमस है अपना चंपारण, चाहे खाने पीने की बात करें, चाहे पॉलिटिक्स की बात करें। हमारे राधा मोहन सिंह जो हमारे जो आदरणीय सांसद जो है वो कहाँ से हैं, अपने मोतिहारी से ही हैं। अब जितना भी बड़ा बड़ा जितना भी आप देखिएगा, जितने भी लोग हैं, सारे के सारे मोतिहारी, अपने कर्मभूमि मोतिहारी से ही निकल कर जो है आज, अभी शकीबुल गनी का भी आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल, उन्होंने इतिहास बना दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, फर्स्ट डेब्यू मैच है रणजी ट्रॉफी का, और उसमें तो समझ रहे सारे के सारे योद्धा जो हैं वो सारे जो है अपने चंपारण से ही निकलते हैं।
तो आप सभी मोतिहारी नगरवासियों से भी मेरा निवेदन है कि आप ऐसे लोगों को चुने जो आपके साथ हर पल रात को 2 बजे भी अगर आप कॉल करें तो आपके पास खड़े हों, और शिक्षित को चुने ताकि अगर शिक्षित को चुनते हैं तो उसको ये पता रहता है किस तरीके से क्या हो रहा है समाज में, वार्ड में क्या हो रहा है, किस टाइप का व्यवस्था होना चाहिए, और अगर और साथ ही साथ उसको ये भी पता है कि किस तरीके से सारे चीज को चलाना है, क्योंकि जब एजुकेटेड रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो आदमी 9 से 5 जो ढंग से काम कर सकता है, और साथ साथ वैसे को भी चुने जो अपने पैरों पे खड़ा हो। ऐसा ना हो कि आप पैसा ले लें और पैसा लेके आप तो सिलेक्ट इलेक्ट तो कर लीजिएगा, कल को आप उसके सामने मुंह दिखाने नहीं जा पाइएगा। और पैसा पे मैं सीधी सी बात है, मैं पैसा पे नहीं, जितने भी मेरे जो युवा साथी हैं, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग, जितने भी माताएं हैं बहनें हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि अगर मैं आ रहा हूं तो आप लोग सभी कोई जो है एक बार चांस जरूर दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि जब एजुकेटेड जब आता है तो वो इतिहास रच देता है। सेम एग्जाम्पल हमारा जैसे अभी मैंने बताया सकीबुल गनी का, कि जो उन्हें मोतिहारी से ही हैं और आज वो पूरे वर्ल्ड में जो है अपने चंपारण का मान सम्मान, सुशील कुमार एग्जाम्पल, केबीसी 5 करोड़, ऐसे ऐसे हैं। तो इसी से आप लोगों से निवेदन है कि जब चुनाव हो तो जितना हो सके बढ़ चढ़ के हिस्सा लगे लीजिए, और युवा प्रत्याशी से भी है, क्योंकि देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेयर प्रत्याशी में जो है जितने बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी का रहना जरूरी है, क्योंकि उनका मार्गदर्शन भी जरूरी है, और उन लोगों के लिए भी फायदा रहेगा अगर उप मेयर कोई युवा आता है तो उन लोगों का ये फायदा रहेगा, युवा शक्ति भी उनके साथ में एनी टाइम खड़ा रहेगा, तो अपना शहर मोतिहारी जो है निश्चित जो है पूरे बिहार में जैसे सकीबुल गनी, सुशील कुमार, ऐसे ऐसे लोग जिस तरह अपने चंपारण का नाम ऊंचा कर रहे हैं वैसे ही जो है अपना मोतिहारी का भी नाम ऊंचा होगा। तो वोट करें, सोच समझ के वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती समय निकाला। ऐसे ही नए नए नेतृत्वकर्ता के विचारों को सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। साथ ही आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।